नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर में जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हुए नौनिहाल। रुस्तम नगर सहसपुर में राष्ट्रीय हाईवे के दोनों ओर नालों की सफाई न होने से लोगों में भारी रोष। ग्राम प्रधान व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर गांव के नाले व पसरी गंदगी। हर और गंदगी, नालियों में जमा पानी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। मामला मुरादाबाद आगरा हाईवे नंबर 509 पर स्थित बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर गांव का है, जहां लंबे समय से हाईवे की दोनों ओर की सड़क आधा पानी में डूबी हुई है। पंचायत राज विभाग कहना है कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, इसकी जिम्मेदारी NHAI की, तो NHAI वाले ग्राम पंचायत पर टाल देते हैं। ग्राम पंचायत का पुराना नाला था, वो भी बंद हो चुका है, जिससे सड़क पर पानी जमा होने से राहगीर परेशान है। लेकिन जो पानी तालाब तक जाना चाहिए वह सड़क पर ही है। लोगों ने आज नाराजगी जताते हुए बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से बता चुके हैं कि लेकिन कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई। बताया कि इस रोड पर कई स्कूल है और छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बार बार शिकायतें करने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सोचने वाली बात है ये कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर खंड विकास अधिकारी तथा पशुपालन विभाग का कार्यालय स्थित है, लेकिन प्रतिदिन अधिकारी भी निकलते हैं, लेकिन हालात ये है कि बिना बरसात के पानी हमेशा जमा रहता है, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं होती। इस मौके पर नाजिम खान, अयूब अंसारी, भूरा शाहिद, नबी शेर मालिक, डॉक्टर इस्लाम, पप्पू भोला, मुन्नी ठेकेदार, रिजवान, जुल्फेकार, नसीब अली, हनीफ, मोहम्मद इकबाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। अरे यार, मानने भर रहा बहन, ओए होले जल्ले होले। इधर को भी हाथ हुआ है, रोटी है इधर को भी, अब लोग जाते नहीं इधर को भी। हाँ जी बताइए, ये क्या मामला है? मामला ये है सर, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ जी मैं। यहाँ पर जो बस्ती का पानी है, बारिश होती है यहाँ पर, अक्सर पानी बाहर नहीं जाता है,
बाहर सोनडाला चौराहे पे ये रास्ता है, वहाँ पर पटिया है जो बंद हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, प्रशासन को ही मतलब ऐसा गौर नहीं कर रहा है इसकी। अंदर बस्ती में दो स्कूल है, आजकल बच्चों को तय मतलब ये खतरा रहता है कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बच्चे 4-5 साल के बच्चे हैं, वो निकलते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस पानी से, और आम जनता के लिए भी परेशानी हो रही है। अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक लगता रहता है इस पानी के जरिए से। तो इस जल भराव की समस्या के लिए आपने यहाँ के प्रधान से अवगत कराया, प्रधान को बताया? जी, हमने कई बार यहाँ पर बोला भी है प्रधान जी से, और टीएमसी वालों से भी बोला है, लेकिन मतलब ऐसा उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे, कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये कहते हो जाएगा इस बात के लिए, कम से कम ना 2-3 साल से पेंटिंग में चल रही है, और आज तो हुआ ही नहीं है जी। नहीं हुआ, और इतना पानी बिना बारिश के भी हमेशा रहता है। अच्छा, बिना बारिश के? हाँ, ये छोटे अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ ये पानी पानी हो रहा है इस समय, ये देख सकते हैं आप सर, पीछे छोटे छोटे बच्चे पानी में निकल कर आ रहे हैं, ये किस तरह से, और ये स्कूल के बच्चे अभी गए हैं निकल करके, बारिश हुई है काफी तेज। और ऐसा नहीं है कि बच्चे कहीं निकल के जाएं, रोड पर भी जाएंगे बच्चे, जब पानी नहीं होगा तो किनारे पर जाएंगे, पानी है तो बच्चे रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी वाला अपने हॉर्न बजा रहा है, बच्चे अपने हट रहे हैं, क्या ऐसी इस समस्या से क्या होगा सर, कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई हादसा होने की संभावना है। तो इस मामले में प्रधान से बताया, लेकिन प्रधान ने कोई ध्यान नहीं दिया? सबको बता दिया। क्या चाहते हैं आप? हम सर ये चाहते हैं हमारी समस्या हल हो जाए, ये पानी का पार हो जाए, निकास हो जाए, और बाकी जैसी जनता निकल रही है, बोर्ड कर रही है, वो काम हो जाए। ठीक।